एक बहुत ही कॉमन सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि एज अ बिगिनर हाउ डू यू स्टार्ट आंसर राइटिंग, कि बिल्कुल ही जब आप पूछ नहीं पड़ा है, बेसिक सिलेबस नहीं भी पता है, तो आंसर राइटिंग आप कैसे करें। इसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि दीज आर टू सेपरेट स्किल्स। एक है स्किल आपकी कि आपको सिलेबस की कितनी नॉलेज है, आपने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं, और दूसरी आपकी स्किल है राइटिंग। ये दोनों स्किल्स आपको इंडिपेंडेंटली डेवलप करनी है एंड फिर मर्ज कर दो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। आप अपना सिलेबस पे तो काम करते ही रहिए कॉन्स्टेंटली, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड इट फॉर प्रीलिम्स एज वेल, फॉर मेंस एज वेल, बट राइटिंग स्किल पे भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि अगर बस सिलेबस कर लें, लिख तो अपने आप लेंगे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस पता होने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसे इफेक्टिवली बता नहीं पाते कि आपको क्या आता है, आपको कितनी इंफॉर्मेशन है, उसे एक ऑर्गेनाइज्ड एंड साफ सुथरे तरीके से किसी और को बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। सो स्टार्ट राइटिंग, जहां भी हो, जितना भी आता है, लिखना शुरू करो, क्योंकि लिखोगे तो पता चलेगा कि कितने तरीके की गलतियां कर सकते हो, लिखोगे तो पता चलेगा क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, बट जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा।